अब नाम ना बतेले जोधा के काहे ओ रोक देला समरा के। उ तो जानल ही ना चाहत रहे कि हम कौन राजा के साथ ओकर रिश्ता तय कैले बानी। बल्कि उ यो भी कहलस कि ओकरा हमार निर्णय पे पूरा भरोसा बा। इतना विश्वास करेले उ हमने पे और हमने ओकरे साथ का कैनी विश्वासघात। ओकरा जीवन के साथ ओकर आशा के साथ आप ओकरा से बताई लेना कि ओकर हमने कन्यादान ना ओकर बलिदान करे जा रहल बानी। हमने बताई लेना। हम बतावल चाहत रहनी मैनावती पर उहे इनकार कर देलस। फिर हमके लागल जे नियति हमरा के ई जाल में डलले बा उहे नियति जोधा के सच बतावे के कोनो और मार्ग चुनले होखी। हमनी के नियति हमनी के सत्य बतावे के हिम्मत ना देलस। शायद जोधा के नियति ओकरा के इस सत्य के सहन करे के शक्ति दे सके। हे काली माँ, तहार लीला केहू ना समझ सकेला। समय के चाल, मनुष्य के भाग्य सिर्फ तू बदल सकेलू और तू बदल देहलू। समय के चाल के बदल देहलू। जे कब्बो ना भइल उहा भोखी दू इंसान ना दू देश ना दू कौम एक हो जाई। एगो ऐसा इतिहास बनाई है जे आपन अलग मिसाल बनाई और जब तक धरती आसमान बा ओके याद रखल जाई। माँ जय महाकाली। राजकुमारी जोधा और मुगल बादशाह के रिश्ता की खबर चारों ओर फैल चुकल रहे और ये खबर सुन के सभी राजा भारमल से बेहद नाराज रहले। दूसरे राजा लोग के ई विरोध में उहो भी शामिल होखे वाला रहे जे आवे वाला कल में आपन नाम सबसे बड़ वीर योद्धा के तौर पे लिखे वाला रहे। मेवाड़ के राजकुमार, चित्तौड़ के सूरज, महाराणा सांगा के कुलदीपक, आवे वाला कल के महाराणा प्रताप। कुंवर प्रताप के स्वागत बा, स्थान ग्रहण करी। जे पूरा राजवंश के मुगलन के सामने घुटना पर बिठा देलस ओकर दरबार में बैठल तो दूर हम जल भी ग्रहण ना करब। अपन राजवंश के आन उनकर मर्यादा उनके रक्त के भी अपमानित कर ले बानी भारमल जी। मुगलन के साथ रोटी बेटी के संबंध जोड़ा बाप इकायरता के पराकाष्ठा बा। आप आमेर हिना पूरा राजकुल के अपमानित कर ले बानी। तो का हम आपसे पूछ सके नहीं कि कहां रहे सूर्यवंश जब मुगल हमनी के चारों ओर से घेर ले ले रहले। सिवाय सूर्य भान के केहू हमार मदद खातिर ना आइल रहे। कहां गइल रहले सब लोग जब हमार बेटा लोग के बंदी बना लिहल गइल रहे। कहां गइल रहले सब लोग जब शरीफुद्दीन दोनों हाथ से हमके लूटत रहे। और उनके तो पता नहीं थे किंतु यदि आप हमके रण निमंत्रण भेजती तो हमेशा अपने साथ हमके खड़ा पैती। लेकिन आप हमके कोनो निमंत्रण ना भेजनी। निमंत्रण तो हम विवाह के भी ना भेजले रहनी। फिर कहे आई बनिया हमरा के आवे के पड़ल। कहे कि विषय आपके व्यक्तिगत नहीं खे, पूरा राजवंश के विषय बा, हर एक राजवंशी के विषय बा जेकर नियम के धज्जी उड़ावे जा रहल बानी आप, जेकर सम्मान के जेकर मान के आप दहेज बना के मुगलन के सौंपे जा रहल बानी। ऐसन बात आप ना करी तो अच्छा बा। आमेर पे कब्जा करे के स्वप्नता आप भी देखले रहनी ना, आक्रमण कैले रहनी ना आप आमेर पे, जे स्वयं अपन भाई शक्ति सिंह के रक्त के प्यासा बा, ओकर मुंह से रक्षा के ई बात शोभा ना देवे। विपरीत परिस्थिति में हमके खाली एगो मुगल के साथ मिलन और हम आपके बता दें कि आमेर के सैकड़न सर बचावे खातिर हम मुगलन के साथ हाथ मिलेनी है। हजारन सुहागन औरतन के सिंदूर बचावे खातिर हम आपन बेटी के मांग में एक मुगल के नाम के सिंदूर स्वीकार कहीं नहीं।
मिट्टी खातिर न जाने कितना लोग मिट्टी हो गए ले। एक समझौता से अगर नुकसान रुक सकेला तो फिर विरोध कैसन? और यदि संबंध आपके इतना खटक रहल बा तो फिर निकाली तलवार, खड़ा हो जाए मुगलन के विरुद्ध। पर आप ऐसा ना करब, कहे कि आप अब तक चित्तौड़ के राजा बनल नहीं थे, ना आपके पास शक्ति बा न सेना। एगो शूर वीर के ओकर शक्ति के प्रदर्शन करे खातिर सेना की आवश्यकता ना हो खेला, अवसर की आवश्यकता हो खेला। और वो अवसर आपके मिलल रहे, लेकिन आप अपन बेटा अपन सैनिकन के जान के अपन मान से ज्यादा महत्व देनी भूल गए रहनी आप कि एगो योद्धा अपन जान से ज्यादा अपन आन बान शान के इज्जत करेला ओकरा खातिर जियेला। उ आप भूल गए ने अपन माथा पर ईजन पगड़ी बांधे नी, अपन ललाट पे लिखल भाग्य से ऊपर बांधे नी, ताकि कभी वक्त आए और हमार सर कट के नीचे गिरे तो हमार पगड़ी केहू के सामने झुके ना। आप भुला गए नी कि हमने यहाँ गड़ल सर के पूजल जाला, लेकिन झुकल सर पर थूकल जाला। प्रताप, आप अपन सीमा अपन आवाज नीचे रखी। वो इंसान जेकर आंख शत्रु के सामने झुक चुकल होखे, उनके हमेशा अपन आवाज भी नीचे रखे के चाहिए। आपके कोनो अधिकार नहीं है कि अपन आवाज या अपन गर्दन या अपन पगड़ी अपन ध्वज ऊंचा रखे के। इतिहास में वीरन के नाम स्वर्ण अक्षर में लिखल जाला, लेकिन आपके नाम काला अक्षर में लिखल जाए। ईका मोती, ई सारा राजा महाराजा अभी थोड़ा देर पहले तो पधारल रहले, इतना जल्दी जा भी रहल बड़े? पता ना आयल होखिए कोनो आवश्यक बात करे। हम समझ गई नी, बापू सा हमार विवाह तय कर देले बड़े ना, उहे के विचार विमर्श खातिर बोलाइले होखिए। विवाह? आपके अपन विवाह के बारे में पता बा? बापू सा कल ही हमके बताइले। राजा सा बता देले और आप ये विवाह खातिर तैयार? हम तैयार बानी, आमेर के रक्षा और बापूसा के वचन खातिर हम कुछ भी कर सके नी। बापूसा जे भी राजघराना हमरा खातिर चुनले होखी, हमके उस स्वीकार बा। राजघराना? एकर मतलब राजा सा जोधा के जलाल के बारे में कुछ ना बताइले? का सोच रहल बाड़ू तू? ना कुछ ना, राजा सा आपके नाम ना बताइले? ना, जब इतना बता देले कि आमिर की सुरक्षा खातिर इस संबंध जोड़ल बहुत आवश्यक है, तो फिर हमार कुछ भी पूछे के का मतलब है? हम ठीक कह रहल बानी ना मोती? अरे तू रोवत का है बाड़ू? विवाह के बाद भले ही आमिर से हमार रिश्ता छूट जाए, पर तहार ना तो के तो हम अपना साथ अपना ससुराल ले जाए। अब रोई बंद करो और वादा करो हमरे ससुराल आईबू ना। हम आपके वचन देता नहीं, आपके परछाई की तरह हमेशा आपके साथ ही रहा। हमार भाई सा जल्दी लौट आवे, फिर हमार मन के शांति मिली। ये आवाज कैसन? शहनशाह, ये वक्त हम लोग आमेर के सरहद के करीब बानी, कुछ बंजारा बाड़े, राजा के लोग के गीत गा रहल बाड़े, उनके यहाँ फौरन पेश कई जाए।
तबाहर तू लोग गाना गावत रहला। हमने बंजारा बानी हुजूर, हमन के तो काम ही बा गांव गांव भटकल और लोगन के राजा महाराजा के किस्सा गा गा के सुनाइल। अब में हमने से कोनो गलती हो गई लोखे ते हमने के माफ कर दी। अगर गलती हो खेला तो हम सजा देवेली। तो का सुनावेला तू लोग के गा गा के, हमके भी सुनावा। आपके हुकुम हम तहार जबान तनी बहुत समझ लेवेली। अब जैसन हुकुम के मर्जी। ओ रंग रंगीले हणवीरारी थाने कथा सुनावा, एक लजवंती रा गुण गावा और साची साच बतावा। जी जी सब जग से अलबेली और रूप देख के चंद लजाए, सूरज छुपे अदरी बदरी, होंठ तो जैसे कमल पंखुरी, होंठ तो जैसे कमल पंखुरी, माथे नखट सजावा। जी जी अरे बाल है उसके काले बादल, नैनों से हारे मृग नैन, झलक कर दे वे चैन, चले मोरनी जैसे ठुमक कर, चले मोरनी जैसे ठुमक कर, बोले रस घुल जावा। जी 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 बातहारी नाम हुकुम के नाम चांद सूरज जैसन चमके। आमेर के शहजादी के तारीफ खातिर आज हम तोहके इनाम देले बानी, लेकिन याद रहे अगर आज के बाद तू आमेर के शहजादी के तारीफ कैला तो दोबारा गाना गावे के लायक न रहबा। जबान काट लिहल जाए तहार। राजा भारमल के तीनों बेटा पहुंच ले। ना सरकार, हम आपके पैगाम सूबेदार शरीफुद्दीन तक पहुंचा दे ले रहनी, लेकिन ऊपर अमल ना भेल अब तक। शरीफुद्दीन के ही पैगाम भेज दिहल जाए कि जहां भी होके जैसन भी होके फौरन हमरा सामने हाजिर हो। जी हुजूर। अभी भी समय बा, राजा लोग के विरोध टालल जा सकेला, जोधा के जीवन नरक होके से बचायल जा सकेला। कहे ना जोधा के स्थान पर कोनो दासी के भेज देहल जा। अच्छा विचार बा, मोती बाई के भेज देता नहीं। मुगलन के का पता चली, राजा सा के बाद भी रह जाई और आमेर भी बच जाई। बच्चा जैसन बात मत करी आप लोग। ये मत भूली, जब जलाल भेस बदल के आमेर आयल रहे तो ओकर आमना सामना जोधा से भयल रहे। अब भले वो जोधा के देखले होके या ना देखले होके, बाकी बापूसा मुगल के वचन दे चुकल बड़न। अब ऐसा में जलाल के साथ जोधा की जगह मोतीबाई के बिया हमने कैसे कर सकेनी। जोधा बुआ के बदला मोतीबाई के बिया, जोधा बुआ के बदले मोतीबाई के बिया। एके भाग्य के खेल कहल जाए या नियति के चक्र, यहां आमेर में जोधा जलाल के साथ अपन विवाह से अनजान रहे और वहां आगरा में रोकैया बेगम ही बात से बेखबर रहनी कि जलाल एक और शादी करे जा रहल बा। वाह, का शानदार कारीगरी है। आप शायद भूल रहल बानी, ई उहे हार बा जे आमेर के राजकुमारी जोधा तीर्थ करके तौर पे देले रही। हम ओके कैसे भूल सकेनी, बड़ा गुमान रहे ना ओके आमेर के राजकुमारी होके के। बेचारी अब मामूली सब बांदी बन के रह गयल होगी। सुन ली हाँ, शरीफुद्दीन के सामने आमेर घुटना टेक देले बापन। आप चाहे तो इसने हर अपना खातिर बनवा ली, बाकी बेगम की तरह गहना बनवावे और तुड़वावे के अलावा और भी काम होखेला हमके।
हम मल्लिकाए खास बानी। ये तो अर्ज कले बानी हम कि आप मल्लिकाए खास बानी, यही से हर खास चीज आपके पास होके के चाहिए, हर उ नायाब चीज जे हमार मल्लिकाए खास के और भी खास बना देवे। मशवरा अच्छा बा। शहंशाह एक एक करके रियासत जीतत जात बड़े और हर एक रियासत से एगो यादगार नमूना हमरा खातिर होके के चाहिए। एगो काम करा, ऐसने एगो हर हमरा खातिर बनवावा, बाकी याद रहे हु बहु ऐसे ही दिखे के चाहिए। आपके बलिदान बेकार न जाए, जेकरा से हमार ब्याह होके वाला बा ओ मुगलन के खिलाफ हमनी के सहायता कैले बाड़े, हमार तीनों भाई सा के बचाईले बाड़े, और अब वो आपके अधूरा प्रतिशोध पूरा करिए। बहुत ही सुंदर हार बाबुआ जी, मोती बाई खातिर बना। मोती खातिर काहे? बाबूजी कहत रहले उनके ब्याह होखे वाला बा। मोती के ब्याह? अच्छा समझनी, भाई सा कहले होखिए वो हमरे साथ हमरे ससुराल जाई और तू ओकर ई मतलब निकाल बैठर। अब एगो वीर योद्धा पे हसता नहीं बुआ जी। अच्छा गलती हो गई हमसे वीर मान सिंह, अपन बुआ सा के क्षमा कर दी। वैसे ई वीर योद्धा यहाँ का करे आयल रहे? वीर रक्षा करे खातिर आवेले और हम यहाँ अपन बुआ जी के रक्षा करे खातिर आयल बानी। बिल्कुल भाई सा के तरह बहादुर बाड़ा। एक तो युद्ध में हार और जलाल के साथ जोधा के विवाह, ई सब से आमेर के प्रजा इतना बौखलाई रहे कि एक वीर योद्धा अपन जान के परवाह न कहके अकबर के खेमा तक जा पहुंचल। जाना तारा हम के बानी? शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। और तू के बाड़ा? एक छोट सा कारीगर बानी, तंबू लगावे के काम करे नी। कारीगर बाड़ा पर छोट ना, इतना तो जानेला कि शहंशाह के खेमा उनके आवे से पहले लागेला। तहार खंजर उहाना यहाँ बा। एगो छोट से खंजर के सामने इतना सारा तलवार, अब बतावा के बड़ा तू यहाँ कोना मकसद से आयल बड़ा? राजवंशी बानी, हमनी के राजकुमारी के ब्याह एक मुगल से होके ही हम नहीं की देख सका, यही से आपके हत्या करे आयल रहनी। हाँ जा। करला अपन मकसद पूरा, चांद से मारता हम राखे, पर हम तो सुन ले रहनी कि तू राजा लोग बहादुर हो खेला, कबो छुप के बार ना करेला। छिप के तो आप आयल रहनी हमारा आमेर में। तो तहरा मालूम बा कि हम वहां भी आयल रहनी? हाँ, पर ही ना मालूम रहे कि आमेर के गली में घूमे वाला ये मुगल बादशाह जलालुद्दीन हा, ना तो वही समय वहां भी ना मार पैला और यहाँ भी पकड़ल गयला। अब का हुई तहार? सोच के आयल रहनी है कि जीवित ना लौटब, मार दी हमके, मार दी। अगर यह तरह तू लोग के मारत रहनी
तजोदा से निकाह के वक्त हमसे रिश्तेदारी निभावे के आई। आजाद कर दा एकरा के, हमार होके वाला ससुर राजा भारमल की पैगाम देहा कि हम बहुत जल्द सांभर पहुंच रहल बानी हुनकर बेटी से निकाह करे। शहनशाह के इकबाल बुलंद होके आप याद फरमोनी शहनशाह। का तू राजा भारमल के तीनों बेटा के आजाद कैला? अभी तक ना हुजूर। दरअसल हम सोचने की तू अब तक हमार हुकुम के तामील ना कैला। अच्छी तरह से जाने ला तू कि तू हम राजा भारमल के अपन जबान देले बानी। तका तहार सोच के कीमत हमार जबान से ज्यादा बा? एहर होर का देखा तारा? फौरन हमार हुकुम के तामील होके उ तीनों सांभर में हमरा सामने पेश होके के चाहिए। माफी चाहता नहीं हुजूर, आपके हुकुम के तामील होकी। खम्मा गणी हुजूर, भानपुर के महारानी स्वर्गीय सूर्य भान सिंह के माँ पधार रहल बानी। सूर्य भान के माँ यहाँ? प्रणाम रानी सा। ई लाठी देख रहल बानी आप? इके बीच अगर गर्दन दबा देल जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाले। समझनी ना। जे राजा भारमल के विरोध करे आइल रहले उनके कोनो अधिकार ना कि वो आमेर नरेश के ऊपर उंगली उठावे, उनके सही और गलत समझावे। लेकिन हमके बा काहे हम आपन बेटा आमेर खातिर खोईले बानी? हमार सूर्य भान जानेली, जब हमरे सामने हमार बेटा के कटल सर आइल रहे तो हम रोइनी ना, बल्कि हमार छाती गर्भ से चौड़ी हो गई रहे। हमके गर्व रहे हम जन्मले बानी ऐसन बहादुर बेटा के। हम और आप कैसन राजरानी बानी? आपन बेटी के मुगलन के घर भेजे के फैसला कर लेनी। इतना बेइज्जती कैले हमार, वो सबके सामने आमेर पे हमला हम कैनी, कब्जा हम कैनी, वो तीनों भाइयों के कैद हम कैनी, ताकि भारमल जलाल के खिलाफ खड़ा ना हो सके। इतना सब कुछ करके यह सिरा मिल रहा भाम के? अस्सलाम वालेकुम। बख्शी बानो, आप यहाँ? जी, मेवात के रास्ता से महामंगा अजमेर जात रहनी ता हम सबके भी ले आनी। हुजूर के थकान दूर करे के बा ता एक बर्तन में गरम पानी और नमक डाल के ले आवा। बहुत खूब, भाई जखम देवेला और बहन उपे नमक छिड़के के तैयारी करे ले। भाई जान कुछ कह दे ले का? कहले ना, तोहीन कैले बाड़े हमार, वो सबके सामने। आपके भाई जान यो भुला गए ले कि सुबेदार होकला के साथ साथ हम उनकर बहन के शौहर भी बानी। जेकरा से रिश्ता भी ना जुड़ल वो लोगन खातिर उनकर बेइज्जती कल जा रहल बा, जे रिश्ता में उनकर बहुत खास बाड़े। हम बात करब उनसे। बस अब ये कसर बाकी रह गई रहे कि एक औरत के दामन के सहारा ले ना मर्द नहीं है शरीफुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सुबेदार साहब। जी हम ये पूछत रहनी कि आप जोधा के तीनों भाइयन के वापस ले जा रहल बाड़े, लेकिन कहू तीनों भाइयन के पता बा कि उनके लाडली बहन शहनशाह के साथ निकाह कर रहल बिया? हमसे का पूछा था नहीं, इनकर भाई जान से पूछी। उनकरा अलावा क्या हुआ और के सल्तनत के बारे में सोचे के हक बाही कहा? सुबेदार साहब बात तो सुनी। उठो मैनावती, हम कहानी उठो मैनावती, उठो उठो मैनावती। अतिथि लोग के आईब जाइब शुरू हो गए बा, तहार बेटी के ब्याह बा। ब्याह? आप के ब्याह करल बानी मासा? आप का चाहत बने कि हम ही ब्याह में मंगल गीत गाई, खुशी मनाई, मिठाई बाटी?
ना मासा ना, हमसे ना होगी सब इप्पी ब्याह में खुशी ना मनावे के चाहिए, शोक मनावे के चाहिए मासा, शोक मनावे के चाहिए। और आप चौद बारी राजा महाराजा सब हमके बधाई देवे ना आइले, हमार मजाक उड़ावे आइल बानी, हमके इज्जत भी आइल बड़े की हमने अपन बेटी के रिश्ता ना कहने ओकर सौदा कहले बानी। पहला बार सिर कटवावे वाला भी लोगन शत्रुओं के सामने अपन सर झुका देले। ना मैनावती, बतावो ना के कहलास की तोहार सर आज झुकल बा, तोहार सर तो आज गर्व से उठल बा मैनावती। आमेर के प्रजा के सर बचावे खातिर जे निर्णय हमार बेटा लेले बा वो बिल्कुल सही बा। हाँ कैसे मासा, जलाल हमनी के शत्रु बा, जलाल हमनी के शत्रु रहे, आमेर के हड़प करे चाहत रहे हूँ, लेकिन मैनावती हमनी के आसपास राजा लोग के देखी सबके आँख में आमेर पे कब्जा करे के सपना पलत रहे। जलाल के हमने क्रूर माने नहीं, अगर जलाल क्रूर होकत तो समझौता और संबंध के रास्ता ना अपनावत, थाल में सजा के विवाह के शगुन ना भेजा तू, हमने के बेटा लोग के कटल सर भेजा तू। अगर ये सच बा कि जोधा एक शत्रु के यहाँ जा रहल बिया, तो मैनावती यो भी सच बा कि जोधा शहंशाह के मल्लिका बने जा रहल बिया, तोके तो ये बात पे गर्व होके के चाही, आंख में आंसू ना अभिमान होके के चाही, और दिखा दे दुनिया के कि तू हिंदुस्तान के होके वाला शहंशाह के होके वाली मल्लिका के माँ बाड़ू। केबा, केबा, हम ही जो था सुजामल, आप यहाँ आवे के दुस्साहस कैसे कहिला? इतना बड़ विश्वास घात कहके कामू लेके आए यहाँ पे? हम कोनो विश्वास घात नहीं कहले, हम सिर्फ युद्ध कहले बानी आमेर के गद्दी खाते। वो गद्दी जगरा पे हमार बापू साके गईला के बाद हमारा अधिकार रहे। वो वीरन के रक्त पे भी आपके अधिकार रहे जे के आप बहा देला, या राजा सूर्य भान के सर पे आपके अधिकार रहे जे के आप यूं ही कट जाए देला। राजा सूर्यभान के साथ जे भी भइल उसे हमके भी बहुत ठेस पहुंचल बा, एही से मुगलन के साथ छोड़ के आगे कोनो विश्वासघाती पे हम भरोसा ना कर सके नी। विश्वासघात हम ना तो हर बापू सा केले बड़े, और अब जे ऊ करे जा रहल बड़े उमर सुजामल, हम अपन बापू सा के विरुद्ध एक शब्द ना सुन सके नी। जे सच में द्रोह कर रहल बा ओकरा विरुद्ध तू कुछ नहीं कुछ सुन सकत। पहले वो हमारा साथे छल कैले, या मेरे के साथ छल कैले, और अब तोहके छले जा रहा। हम कहनी ना हमके कुछ ना सुने के बा, किंतु जोन हम बाहर सुननी ओकरा बात तोहरा से मिले बिना हमसे रहल ना गई। तोहर बापू सा तोहर रिश्ता तय कर देले बड़े जोधा, जोन जलालुद्दीन मोहम्मद से तू प्रतिशोध लिहल चाहत रहलू, ओकरा से प्रतिशोध लेवे खातिर ही हम ही बापू सा के अपन विवाह के स्वीकृति देले बानी। जे कुछ भी हो रहल बा हमार इच्छा से ही हो रहल बा। अब आप यहां से चल जाएं। बचपन साथ में खेलो
राजा सूर्य भानता अब ना रहले, पर जोधा अभी जीवित भी है। हम आमिर और हमार बाकी के भाइयन खातिर कुछ भी करब। जोधा तू ठीक ते बाड़ू? सोचा मोल भाई सा हिप हिप पकड़ा हिप हिप। जोधा एक बार जा और जाके पूछा राजा भारमल से अपन गद्दी बचावे खातिर उ केकरा से हाथ मिला के आइल बाड़े। भाई सा का कहत रहले सुजामल भाई? जोधा सुजामल आइल बा, जरूर कोनो सिपाही के साथ। भाई सा पहले आप हमके बताई उनके बात के अर्थ का रहे? जोधा सुजामल एगो राजद्रोही बा और तू ओकर बात के भरोसा करत आड़ू? दिन निकट आ रहल बा, अब जोधा के बता काहे ना देता नहीं कि ओकर ब्याह एक राजकुमार से ना जलाल से तय भइल बा। कोनो अच्छा सर मिली तो हम स्वयं जाके बता दे मैनावती। अब जल्दी से जल्दी ओके बता दी मरना देर हो जाई। आवा जोधा आवा, हम तोहरा ही गहना के बात करत रहनी है। भगवान दास ये तोहर हाथ से रक्त कैसन? सोजा माल आई रहे ओकर तलवार छो के निकल गए। वो यहाँ कहे आई रहे और कैसे? गुप्त मार्ग से पहुंचल होखी घर के भेदी लंका ढावे, लेकिन वो यहाँ आयल ही काहे? वो हमसे मिले आयल रहे बापू साहब, किंतु हम साफ कह देनी अब हम उनसे कबो ना मिले चाहब। अब ठीक रहले बापू साहब, अब भाई साहब पहले जैसे ना बाड़े। आपके बारे में भी ना जाने का भला बुरा कहत रहले कि पूछिए अपन बापू साहब से कि केकरा साथ हाथ मिले ले बाड़े। किंतु हम उनकर एक ना सुन ली। खम्मागढ़ी हुकुम एगो संदेश आयल बा। का लिखल बा भारमल? अब मासा विवाह के संदेश बा, उ लोग कल ही सांभर पहुंच रहल बाड़े और चाहत अड़े कि विवाह भी ओइजे होखे। भगवान दास हमने के तुरंत सांभर खातिर निकले के पड़ी। सांभर में बारात के प्रबंध कल जाए, सैनिक संगीतज्ञ और सजावट वालन के तुरंत आदेश करा। जी बापू साहब। हम समझ गए नी मासा, आमेर में आज हमार आखिरी रात्रि है। आप चिंता मत करी, हम तैयार बानी। सारा इंतजाम मुकम्मल होके के चाहिए, हम मानत बानी कि राजा लोग शहंशाह और जोधा के निकाह खातिर राजी बाड़े, लेकिन हमने के ये बात ना भूले के चाहिए कि राजा लोग हमने के दुश्मन बाड़े। दुश्मन और ऊंट कौन करवट बैठ जाए भरोसा ना।
बेहतरीन से बेहतरीन लड़ाकन के शहनशाह के आसपास तैनात करल जाए और एक सेना के टुकड़ी भी तैयार रखा। हम जैसन कह रहल बानी बिल्कुल वैसने हम जिले इलाही के इकबाल बुलंद होके। कितना ख्याल रखे लीना आप हमारा। और भी बहुत लोग बड़े जलाल जेके अपन ख्याल बा, लेकिन लागता आप उनके भूल गए बड़े। मतलब सांबर में आपने कहा करे जा रहल बानी और आगरा में मलिकाए बेगम मरियम मकानी और आपके बेगम रुकैया के बात के खबर तक ना पहुंचे ली आप। एक जरूरत का बा बड़म में हम बस एक और निकाह ही तक करता नहीं। जब निकाह के बाद आगरा पहुंचब तो सबके खुद ब खुद खबर हो जाए। हम भी देखे चाहता नहीं कि हरम में एगो राजकुमारी के देख के बाकी बेगम लोग के चेहरा कैसे बदलेला। सदा अपने पास रखी है जोधा। बचपन से लेके आज तक मासा बापूसा के कई बार मना कैले पे भी ये चौखट हम सैकड़ों बार पार कैनी, पर आज इस चौखट के पार करल कितना कठिन लग रहल बा। हे माँ भवानी,
आपन कृपा हमार आमेर पे ई माटी पे और हमार परिवार पे सदा बना के रखिया।